नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। पिछले कुछ दिनों से मैं बात कर रहा हूं भाग्योदय की, कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भाग्य की एक महत्ता, भाग्य की इम्पोर्टेंस बहुत बलवान है। भाग्य के प्रबल होने से व्यक्ति अपने कर्मों का फल, सुफल प्राप्त कर सकता है, वरना मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, सफल कोई ही होता है, हर व्यक्ति तो सफल नहीं हो सकता। जिसका भाग्य साथ देता है वो व्यक्ति आगे चढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात उन्नति की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। और जिनका भाग्य प्रबल नहीं है, जिनका भाग्य साथ नहीं देता है, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहते हैं और अनसेटिस्फेक्शन के साथ में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति दी है, और जिससे वो व्यक्ति भविष्य में छुपे हुए अंधकार को पहचान पाए और उसको पहचान करके उसको दूर कर सके। हर संप्रदाय में भाग्य की महत्ता और धन की महत्ता सर्वोपरि है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। बिना अर्थ के, बिना पैसे के कोई भी दुनिया नहीं चला सकता, और हर व्यक्ति के लिए भाग्य की उतनी ही उपलब्धि, इतनी ही इम्पोर्टेंस मूल्यवान है। आज बात करते हैं वृष लग्न की। वृष लग्न में भाग्य का अधिपति ग्रह होता है शनि, और आयु है 36 वर्ष। अर्थात जिस व्यक्ति का वृषभ लग्न है उसका भाग्योदय 36 वर्ष के पश्चात होता है, शनि शनि होता है। शनि 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 चलने वाला है, शनि संघर्ष का प्रतीक है, शनि कर्म का प्रतीक है, और अपने खुद के कर्मों से ही व्यक्ति को भाग्योदय नसीब होता है। शनि भाग्य और कर्म दोनों का अधिपति है। वृषभ लग्न की कुंडली में जिसको की प्लेनेट बोला जाता है वह शनि है, और शनि कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठ जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस करता है, जितनी की कोई सोच भी नहीं सकता। शब्द है कुलदीपक योग, अर्थात खानदान के में इतनी प्रोग्रेस उसने की कि खानदान का नाम रोशन कर दिया, उसे कुलदीपक कहा जाता है। और यही स्थिति यहाँ पर होती है जब कुंडली में शनि बलवान हो। वृषभ लग्न में मिथुन राशि का शुक्र हो, मीन राशि का बुध हो और बृहस्पति केंद्र में हो तो यकायक धन की प्राप्ति होती है। वृषभ लग्न में शनि भाग्यश होने के कारण यदि शनि बलवान है तो व्यक्ति कुशल राजनीतिज्ञ बनता है, व्यक्ति की राजनीति में इंटरेस्ट होता है। और जब भी शनि की दशा आती है तब व्यक्ति सुख सुविधाएं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब आइए एक उदाहरण लेते हैं, जिन्हें आप सब जानते हैं, जिसके नाम से आप चित परिचित हैं, उनकी कुंडली लेते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली है, सप्तम स्थान में बृहस्पति और शुक्र दोनों ही विराजमान हैं। आप स्क्रीन पर यह कुंडली देख रहे होंगे। भाग्य का अधिपति और साथ में कर्म का अधिपति शनि कुंडली में नीच राशि का है, ट्वेल्थ हाउस में है, लेकिन वो धन स्थान को देखता है, अर्थात चंद्रमा को देखता है, वह चंद्रमा जो पराक्रम का अधिपति है। सूर्य और बुध दोनों साथ में अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में होने से बुध अपने ही स्थान को अर्थात धन स्थान को देखता है। कुंडली में बुध धन भाव का भी अधिपति है, पंचम भाव जिसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बुद्धि ये सब बोला जाता है उसको भी देखता है, और शनि अपने खुद के घर को भी देखता है। भाग्य का अधिपति शनि है और स्वयं को भी देखता है, स्वयं के घर को भी देखता है। शुक्र लग्न का अधिपति है और बृहस्पति के साथ में सप्तम स्थान में है। सबसे पहली बात बुध की जब बात करें तो बुध बुद्धि का ही नहीं, बुध स्पीकिंग का, आर्ग्यूमेंट का, तर्क का भी अधिपति है। और कुंडली में द्वितीय भाव धन के साथ साथ में आपकी स्मरण शक्ति का और आपकी वाक शक्ति का भी है, तो बुध इस कुंडली में सबसे अच्छी स्थिति में स्थित है। और सूर्य के साथ में स्थित है इसलिए आर्ग्यूमेंट का गुण और सुख का गुण इस कुंडली में है, क्योंकि सुख का अधिपति कुंडली में केंद्र का अधिपति है वह है सूर्य अष्टम स्थान में, और कुंडली में पंचम भाव का अधिपति एक केंद्र और त्रिकोण का अधिपति दोनों एक साथ में है, सूर्य और बुध एक साथ बैठ करके कुंडली को बहुत बल देते हैं। मंगल कुंडली में भाग्य स्थान को उच्च की दृष्टि से देखता है, साथ साथ में भाग्यश को भी देखता है, भाग्य भाव को तो देखता ही है साथ में भाग्यश को भी देखता है, और वही कुंडली में अपनी अष्टम दृष्टि से लग्न को भी देखता है। तो ऐसी स्थिति में
शनि को बलवान बनाने से और ज़्यादा समृद्धि और ज़्यादा शांति और ज़्यादा वैभव पाया जा सकता है। जिनकी भी वृषभ लग्न की कुंडली है वो अपने जीवन में पन्ना, हीरा, नीलम, रत्न या उपरत्न अवश्य पहने और साथ ही शनि की पूजा उपासना करें, भैरव की पूजा उपासना करें और हो सके तो हर शनिवार आप काली वस्तुओं का दान दें। तो शनि के दान, शनि के मंत्र जाप, शनि के उपाय करने से आप वृषभ लग्न के व्यक्ति, वृषभ लग्न के जातक कुंडली में भाग्य को और प्रबल कर सकते हैं। यदि किसी कुंडली में शनि नेगेटिव है, शनि नीच राशि का है, शनि वीक है, तो ऐसी स्थिति में उसको बलवान करने से भाग्य के साधन उपलब्ध होंगे, भाग्य की उपलब्धता आएगी, अर्थात आपके जीवन में सफलता के साथ साथ में सुख, शांति और वैभव भी बढ़ेगा। जो ग्रह शुभ हैं आपकी कुंडली के अनुसार, भाग्य का अधिपति सदैव शुभ ही माना जाएगा, चाहे वह ग्रह नीच राशि का भी हो, शुभ स्थान का अधिपति है और वो नीच राशि का कम प्रभाव देगा लेकिन अहित नहीं करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा। इसी एपिसोड में मैंने आपको बताया था कुलदीपक योग। कुलदीपक का मतलब सामान्य भाषा में सिर्फ और सिर्फ लड़के से लिया जाता है कि हमारे घर का जो रोशन चिराग है, हमारे घर का लड़का है, वही कुलदीपक हो सकता है, लेकिन कुलदीपक का अर्थ जातक से है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। कोई भी अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस करेगा उसे कुलदीपक ही माना जाएगा। यह कुंडली में, जब कुंडली में भाग्य और कर्म दोनों का अधिपति शनि हो और कुंडली में 10th हाउस में ही बैठ जाए, ऐसी स्थिति में कुलदीपक योग उत्पन्न हो जाएगा। और यों भी इस कुंडली में शनि लग्न में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, तो वो महान योग उपलब्ध होगा ही होगा। हर कुंडली में योग और दुर्योग दोनों होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता होती है उन योगों को पहचान करके हमारी ज़िंदगी में उनको ढालने की। अच्छे को और अच्छा कर दीजिए और जो बुरा है उसे शांत कर दीजिए तो आपके जीवन में और अच्छापन बढ़ जाएगा। और ज्योतिष में यही होता है, जो शुभ ग्रह हैं उन्हें और बलवान किया जाता है और जो ग्रह नीच राशि के जो आपको प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं उन्हें शांत किया जाता है, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति, सफलता, वैभव ये सब बढ़ जाता है। ठीक, कल बात करेंगे हम मिथुन लग्न के बारे में। तब तक आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, आपका भाग्य कौन सा है, जिससे आप इस प्रोग्राम को और अच्छे ढंग से समझ पाए। ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन करता है, मार्ग पर चलना तो जातक को ही पड़ता है। सफलता पाना, लक्ष्मी पाना और जीवन में आगे बढ़ना आपका अधिकार है और उससे आप वंचित मत रहिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। कमल श्रीमाली जी हर महीने मुंबई, पुणे, दिल्ली में भी उपलब्ध होते हैं। यदि आप इन शहरों में रहते हैं या इन शहरों के आसपास रहते हैं और कमल श्रीमाली जी से पर्सनली मिलकर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी और वास्तुशास्त्र कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर डायल करके पहले से ही उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप घर बैठे ही फोन पर कमल श्रीमाली जी से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी और वास्तुशास्त्र कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इन फोन नंबर्स पर डायल करके घर बैठे ही फोन पर कंसल्ट कर सकते हैं। कमल श्रीमाली जी को आप अपने शहर में वास्तु विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। अब भारत के किसी भी शहर या दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना रहते हों, यदि आप अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री, शॉप, शोरूम के लिए वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या फिर नक्शा दिखाना चाहते हैं, तो इन फोन नंबर्स पर फोन करें और अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर जान लें।